हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी। स्प्रिंग रोल को हम मैदा या कॉर्नफ्लोर से नहीं बनाने वाले हैं, हम आज इसे सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। सूजी से एकदम क्रिस्पी, जैसे कि मार्केट के स्प्रिंग रोल होते हैं, वैसे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी, जिससे जो आपके स्प्रिंग रोल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है, सूजी मैंने एक कटोरी ली है। आप मोटी या पतली कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब क्योंकि हमें इसे पीसना है, पीसने के बाद ही हम इसे स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने एक जार ले लिया, उसके अंदर सूजी डाल दी है, साथ ही मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी इसमें डाल दूंगी, और इसको हम हाई स्पीड पर एकदम महीन बना लेंगे। जैसा कि हमारा मैदा होता है वैसा ही हमें इसका टेक्सचर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सूजी को मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया। अब इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटा लगाने के लिए पानी जो है हम रूम टेम्परेचर पर ही लेंगे, ठंडा या गर्म पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा जो है जैसा हम चपाती का आटा लगाते हैं उससे भी सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करना है, और अच्छे से नीड करते हुए, अच्छे से मसलते हुए जो आटा है वो लगाना है, क्योंकि सूजी जो है पानी एब्जॉर्ब करती है। अगर आप सख्त आटा लगाएंगे तो बाद में वो और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा, इसलिए आप इसका थोड़ा सॉफ्ट ही आटा लगाएं और अच्छे से नीड कर ले, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। अच्छे से नीड करके आटे को स्मूथ कर लेंगे तो जो शीट बनाएंगे हम स्प्रिंग रोल के लिए वो काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार होंगी, और स्प्रिंग रोल भी हमारे क्रिस्पी और एकदम मार्केट जैसा उनका टेक्सचर होगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से नीड कर लिया है मैंने इसे, अब हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे, ताकि अगर सूजी को ज़रूरत होगी तो वो पानी एब्सॉर्ब कर लेगी, और इसे ऐसे ही रख देंगे हम आधा घंटा के लिए, ढककर छोड़ देंगे, ताकि इतनी देर में हमारी जो सूजी है अच्छे से सेट हो जाए, जितना पानी उसे ज़रूरत है एब्जॉर्ब कर ले, सूजी के जो कण हैं फूल जाएं अच्छे से। तो आधे घंटे का रेस्ट देंगे इसे। यहाँ पर देखिए ढककर मैंने इसे छोड़ दिया है, आधा घंटा हो गया इसे रखे हुए, इतनी देर में हमारी जो सूजी है फूल कर सेट हो गई होगी। तो इसे नीड कर लेते फिर से। यहाँ पर जो सूजी है मुझे थोड़ी सी टाइट लग रही है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, और जैसे चपाती का हमारा आटा होता है ना वैसी कंसिस्टेंसी आने तक इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नीड कर लूँगी, इससे जो हमारा सूजी है वो अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर नीड कर लिया मैंने, टेक्सचर भी हमें मिल चुका है, तो अब हम इसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। पेड़े जो है हम इवन नंबर में ही बनाएंगे, इवन नंबर में पेड़े देखिए मैंने बना लिए हैं। इतनी सूजी से 6 पेड़े जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें रोल कर लेते हैं हाथों से। सारे पेड़ों को रोल करने के बाद हम इन्हें मैदे में डस्ट करके, मैदे में लपेट करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी के करीब मैदा ले लिया है, इतना मैदा यूज़ नहीं होगा, लेकिन देखिए पहले मैंने मैदे में लपेट दिया, अब इन्हें रोल करेंगे। तो रोल करने के लिए देखिए मैंने छोटी सी बेल ली है रोटी की तरह एक पेड़े को, अब दूसरे पेड़े को भी इसी तरीके से इतना ही बेल लेंगे जितना कि हमने पहले रोटी को बेला है। अब इस रोटी के ऊपर ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाने के बाद इस पर अच्छे से मैदा डस्ट कर देंगे, और दूसरी जो हमने रोटी बेल कर रखी है वो इसके ऊपर चिपका देंगे, अच्छे से प्रेस करते हुए अच्छे से चिपका दें। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा और मैदा डस्ट कर लिया है, अब हम इसकी पतली रोटी बेलकर तैयार करेंगे, यानी कि स्प्रिंग रोल के लिए शीट बनाकर तैयार करेंगे। काफ़ी ज़्यादा पतला हमें इसे बेलना है, जितना पतला आप कर सकते हैं उतना पतला इसे बेल लें, ताकि जो शीट है पतली बेल सके और हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं काफ़ी क्रिस्पी बन सके। जितना पतला आप शीट को बेलेंगे उतने ही बढ़िया जो है हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर बेल लिया है मैंने इसे, आप नीचे से ऊपर की तरफ इसे बेलते जाएं, ऐसा करने से क्या होगा ये अच्छे से बढ़ पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसे पतला बना पाएंगे। तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से करते हुए इसे बेल लें, जैसा कि भी मैं अभी कर रही हूँ। ये देखिए बेल लिया है मैंने इसे, और इसे साइड में प्लेट में रख देते हैं। जैसे जैसे आप स्प्रिंग रोल शीट या बेलते जाएँ उन्हें एक प्लेट में कलेक्ट करते जाएं, और उसे कपड़े से ढककर रखें ताकि ये सूखे ना। तो इसी तरीके से हम और भी जो हमारी स्प्रिंग रोल शीट है उन्हें बेलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, जो ऑयल लगाना है अच्छे से अमाउंट में लगाएं, और बीच में मैदा भी थोड़ा ज़्यादा सा ही आप जो है छिड़कें, इससे आपस में ये अच्छे से चिपकी रहेंगी जो दोनों शीट्स हैं, और अच्छे से आप इसे बेल पाएंगे, और लंबा और पतला इन्हें बेल लें। देखिए इसे भी बेल लिया, और इन्हें हम एक प्लेट में इकट्ठा कर लेते हैं, ढककर रखेंगे इन्हें, खुला ना छोड़े। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी शीट्स को जो है बेल कर तैयार कर लिया, अब हम इन्हें सेकेंगे। तो सेकने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक तवा गरम कर लिया है, तवे को जो है आपको मीडियम गरम करना है, ना तो इसे बिल्कुल कम गरम करना है। अगर आप कम गरम करेंगे तो आपकी जो शीट है वो कड़क हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी, और हाई फ्लेम पर करेंगे तो सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो हमें इसे लो फ्लेम पर अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है, कच्चा पक्का जिसे बोलते हैं वैसा सेकना है, हाफ डन करना है हमें इसे, और सारी ही जो हमारी शीट्स हैं उन्हें दोनों तरफ से इसी तरीके से सेक लेंगे, अच्छे से कपड़े से दबाते हुए सेके, इससे जल्दी सिक जाएंगी, और हाफ डन कर लेना है हमें। देखिए यहाँ पर मैंने जो सारी शीट्स हैं
से तैयार कर ली, अभी मैंने अलग करेंगे। तो इस तरीके से आपको कहीं से भी खुला मिल जाएगा तो वहाँ से दोनों शीट को पकड़कर धीरे धीरे खींच दे, एकदम से ना खींचे। एक तो ये गर्म है, दूसरा टूट भी सकती है क्योंकि काफ़ी पतली जो शीट है हमने बनाकर तैयार करी है। देखिए इसी तरीके से मैंने सारी शीट्स को जो है अलग कर लिया। ये देखिए हमारी शीट्स जो हैं बनकर तैयार है, एकदम पतली शीट जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें चाहे तो फ्रिज में एक हफ्ते के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम इनकी फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर चाउमीन जो बनाने के लिए हम नूडल्स लाते हैं वही नूडल्स ले लिए हैं मैंने, और इनको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया है और इन्हें 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया ताकि इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही में मैंने शिमला मिर्च ले ली है, पत्ता गोभी ली है, इनको लंबा और पतला कट कर लिया है। आप चाहे तो अनियन, गार्लिक या कोई भी वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इन्हें आज बगैर अनियन के ही बना रही हूँ। तो साथ ही में देखिए मैंने यहाँ पर अजीनो मोटो लिया है, MSG यानी कि नमक ले लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है। ये तीन ही मसाले जो है हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही में सॉसेज ले ली हैं जिसमें मैंने सोया सॉस ली है, साथ ही साथ विनेगर लिया है और टमाटो केचप का भी हम इस्तेमाल करेंगे। इन तीन सॉस को डालकर ही हम जो फिलिंग है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम कर लिया, कढ़ाई के गरम होते ही मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसके अंदर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च डाल देंगे और उन्हें 30 से 40 सेकंड के लिए भूनेंगे। सोते करना है हमें उन्हें, ज़्यादा देर पकाना नहीं है, ना ही सॉफ्ट करना है क्योंकि ये क्रंची ही रखनी है हमें, और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए मिक्स कर लिया मैंने इनको अच्छे से, 30 से 40 सेकंड हो गई। हम इसमें नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और अजीनोमोटो ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा छोटी चम्मच डार्क सोया सॉस, आधा छोटी चम्मच विनेगर ले लिया है, दोनों को ही ऐड कर दिया है, मिक्स कर दिया इन्हें अच्छे से, थोड़ी सी देर कुक कर लिया है 15-20 सेकंड के करीब, और फिर जो नूडल्स हमने बॉईल करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। अब नूडल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। नूडल्स को थोड़ा सा तोड़कर ही इस्तेमाल करें, इससे आपको स्टफिंग करने में आसानी रहेगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इन्हें जो है मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटो केचप ऐड करेंगे। तो देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है आप टमाटो केचप ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई, हमारी फिलिंग जो है बनकर रेडी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है, आधा कटोरी के करीब मैदा है, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसका एक थिक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। पानी ऐड कर दिया है मैंने, अब इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका थिक पेस्ट बना लें। स्टिकी पेस्ट बनाकर तैयार करना हमें, चिपचिपा जिसको बोलते हैं। ये देखिए हमने चिपचिपा और थिक पेस्ट जो है बनाकर तैयार कर लिया है। सारी चीज़ें जो हमारी रेडी हैं, और देखिए हमारी जो फिलिंग बनाई थी हमने, चाउमीन जो बनाई थी लगा लीजिए, वो भी ठंडी हो चुकी है। अब ये स्टफ करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हमारी जो सारी फिलिंग की चीज़ें हैं वो बनकर रेडी हैं। ये देखिए शीट्स जो हैं हमारी वो भी बनकर रेडी हैं। ये देखिए ठंडी हो चुकी हैं, ये भी फिलिंग भी बनकर रेडी है, वो भी ठंडी हो चुकी है, और जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी रेडी है। तो चलिए अब इन्हें स्टफ़ कर लेते हैं। स्प्रिंग रोल की एक शीट ले ली है मैंने और उसके ऊपर सही अमाउंट में हम फिलिंग रखेंगे। जो स्टफिंग है वो ना तो कम होनी चाहिए ना ही ओवर होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो अच्छे से स्टफ़ नहीं कर पाएंगे, कम डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने रख दी है फिलिंग जो है हमारी नूडल्स की, और अब हम इसे बंद करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने पेस्ट बनाया था मैदे का वो लगाएंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से स्पून की हेल्प से आप सारी तरफ जो है पेस्ट को स्प्रेड कर दें। ये देखिए लगा दिया, अब फिंगर की हेल्प से इसे फैला दें ताकि ये अच्छे से चिपक पाए, अपना काम जो है अच्छे से कर पाए। अब हम इसे बंद करेंगे तो साइड से एक पार्ट उठाएंगे और इसे प्रेस कर देंगे, फिर दूसरी तरफ से एक पार्ट उठाएंगे इसे भी प्रेस कर देंगे। अब ऊपर से उठाते हुए स्टफिंग को अंदर की तरफ पुश करते हुए इसे टाइटली रोल करेंगे, अच्छे से टाइटली रोल करें। अगर लूज रोल हुआ तो ये ऑयल में जाने के बाद खुल सकता है। अब इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये चिपक जाए। देखिए अभी यहाँ से हल्का हल्का सा चिपका नहीं है, तो थोड़ा सा और पेस्ट लगाएंगे और इसे चिपका देंगे। अब इसे एक प्लेट में रख देंगे साइड में हम। ये देखिए हमारा रोल जो है बनकर रेडी है। इस तरीके से इसे नीचे की तरफ जो जोड़ है, जो ज्वाइंट है उसे करते हुए नीचे की तरफ रख दें ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। इसी तरीके से हम बाकी जो स्टफिंग है वो भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक और ले लिया है, यहाँ पर फिलिंग रख दी है, चारों तरफ पेस्ट लगा दिया है, दोनों तरफ से उठाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और टाइटली इसे भी बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बंद कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी हमारे शीट्स बनी थी सभी को फिल करके रोल करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए ऑयल जो है मैंने गर्म कर लिया है। इस ऑयल में मैंने अभी पकौड़े फ्राई किए थे तो वही ऑयल ले लिया है मैंने। मीडियम हॉट ऑयल है ये, और इसके अंदर अब हम
स्प्रिंग रोल जो हमने बना कर रखे थे उन्हें डाल देंगे रोल को, और ऑयल जो है मीडियम गर्म लेना है आपको और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई कर लिया, अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इनके अंदर ऑयल भर सकता है, और अगर ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तेल जो है हमारा और ज़्यादा तेज़ आँच पर इन्हें फ्राई करेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आप इन्हें दो बार फ्राई करना चाहते तो इन्हें हाफ टर्न करके रख लें, और एक ही बार फ्राई करना चाहते तो एक ही बार में अच्छा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है, सारे जो हमारे स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है, जैसे थोड़ा ठंडा हो गया हल्का सा जो इनका कलर है डार्क हो जाएगा। मैंने इन्हें एक ही बार में फ्राई कर लिया, आप चाहे तो इन्हें दो बार भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं कितने बढ़िया क्रिस्पी जो है हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए मैं अभी आपको कट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने दो रोल ले लिए हैं, मैंने कट करके दिखाऊंगी आपको। इस तरीके से मैंने तिरछा कट करूंगी, आप चाहे तो इन्हें छोटे छोटे पीसेज में स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए हमारे यम्मी टेस्टी स्प्रिंग रोल जो है बनकर तैयार है। तो हमारे देखिए स्प्रिंग रोल की रेसिपी बनकर तैयार है। कुछ बातों का ध्यान रखकर आप जो स्प्रिंग रोल एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।